हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 23 दिन रविवार है, वही हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की 13वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रदेश के 4.5 लाख पीएम आवास हितग्राहियों को मिल गया गृह प्रवेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक हितग्राही परिवारों को उनके नवनिर्मित आवासों में गृह प्रवेश करवाया। इस प्रकार पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के लिए खुशी की बात है। दोस्तों, हर घर नल जल योजना के तहत प्रदेश को मिली है सौगात। योजना के लिए 2,153 करोड़ रुपए हुए हैं स्वीकृत। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतना बाण सागर ग्रामीण जल योजना के प्रथम चरण में 1,133 करोड़ रुपए की लागत से 988 गांवों में नल से हर घर जल पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 2,153 करोड़ रुपए की लागत की सतना बाण सागर 2 जल समूह योजना भी स्वीकृत की गई है। इस प्रकार प्रदेश के सतना जिले को नल जल योजना के तहत करोड़ों की राशि स्वीकृत की गई है। दोस्तों, कर्ज में डूबी शिवराज सरकार ने फिर लिया है 1,000 करोड़ रुपए का लोन। दोस्तों, शिवराज सरकार लगातार कर्ज के तले दबती जा रही है। पहले से ही 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ के तले दबी शिवराज सरकार ने एक बार फिर RBI से 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। दोस्तों, यह कर्ज 15 साल के लिए लिया गया है। इस साल अब तक मध्य प्रदेश की सरकार 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। वहीं 31 मार्च 2022 की स्थिति में सरकार पर कुल 3,03,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। दोस्तों, इस प्रकार लगता है कि प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। इसके उभरने के लिए शिवराज सरकार ने एक बार फिर कर्ज ले लिया है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक यह कर्ज विकास योजनाओं के लिए लिया गया है, अर्थात सरकार का मानना है कि इन पैसों का उपयोग प्रदेश की विकास कार्यों में खर्च होगा। दोस्तों, फसल MSP को लेकर के कांग्रेस ने BJP पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ धोखा कर रही है सरकार। MSP वृद्धि मुद्रा स्फीति की दर से भी कम है। दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि उसके द्वारा घोषित रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मुद्रा स्फीति की दर से भी कम है। दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि भले ही भाजपा सरकार MSP के लिए पीठ थपथपा रही है, लेकिन उसने वास्तव में किसानों को ठगा है। दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि कड़वा सच यह है कि मोदी सरकार केवल MSP की घोषणा करती है, MSP पर खरीद नहीं करती। उन्होंने सरकार से मांग की है कि MSP को कानूनी दर्जा देने वाला MSP कानून तत्काल लाया जाना चाहिए। इस प्रकार कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर है। बिजली फॉल्ट एवं बिल संबंधी शिकायतें अब टोल फ्री नंबर 1912 तथा 0725-2551-222 के साथ मोबाइल ऐप उपाय पर भी अब दर्ज होगी। इस उपाय ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायत कॉल सेंटर पर दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, उपाय ऐप को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के बिजली उपभोक्ता उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार इन जिलों के बिजली उपभोक्ता उपाय ऐप तथा टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों में लागू किए जा रहे प्रोफेशनल टैक्स का हो रहा है अब जमकर विरोध। दोस्तों, अलीराजपुर जिले से खबर है। अलीराजपुर जिले के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि आम नागरिकों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं उन पर प्रोफेशनल टैक्स की जो भी योजना लागू करने जा रहे हैं उसे निरस्त किया जाए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस योजना से किसान की हालत और भयावह हो जाएगी। पहले से ही किसान महंगे दामों में खाद और बीज तथा किसान सामग्री खरीद रहे हैं। नोटबंदी GST जैसी कोरोना काल की वजह से आम नागरिकों की आर्थिकी और ख़राब हो रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पंचायतों में लागू किए गए प्रोफेशनल टैक्स को बंद करने का आह्वान किया गया है ताकि किसानों तथा आम जन को राहत मिल सके। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। ऐलान के तहत अब किसानों को
हर खाद भारत नाम से मिलेगी और बोरियों पर उनकी कीमत भी लिखी रहेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि देश भर में पीएम किसान समृद्धि सेंटर के रूप में दुकानों को विकसित किया जाएगा। यहाँ ड्रोन भी किराए पर मिलेंगे। अब हर खाद भारत नाम से मिलेगी, कीमत भी दर्ज होगी इस पर। बोरी पर दर्ज कीमत से ज़्यादा दाम किसान को देने की जरूरत नहीं है, अर्थात किसानों के साथ खाद में अब कालाबाजारी नहीं होगी। दोस्तों, हाल ही में हुए निकाय चुनाव में ट्राइबल बेल्ट के कस्बों में बीजेपी को मिली है कामयाबी। दोस्तों, कांग्रेस के गढ़ में अब बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। अब मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर रही है बीजेपी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में आए चुनावी परिणामों से बीजेपी खेमे में बहुत ही उत्साह का माहौल है, अर्थात लंबे समय से कांग्रेस के गढ़ रहे निकायों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। दोस्तों, वहीं आदिवासी क्षेत्रों के निकायों में कब्जा जमाने के बाद बीजेपी इसे अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए अच्छा संकेत मानकर चल रही है। दोस्तों, पिछले और हाल ही में हुए निकाय चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में तस्वीर इस प्रकार से है। प्रदेश में कुल 16 नगर निगम अध्यक्ष हैं, जिसमें भाजपा के 13 हैं और 3 कांग्रेस के हैं। इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष 93 हैं कुल, जिसमें 70 भाजपा के पास हैं और 20 कांग्रेस के पास। उसके अलावा अन्य पर 3 हैं। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष 284 कुल पद हैं, जिसमें भाजपा के पास 230 पद हैं, वहीं 48 पद कांग्रेस के पास हैं। इसके अलावा अन्य के पास 6 पद हैं। इस प्रकार नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी बढ़त पर चल रही है। दोस्तों, सीधी जिले से खबर है। सीधी जिले में खराब ट्रांसफार्मर बदलने और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की मांग को लेकर पूर्व मंत्री ने धरना दिया है। दोस्तों, पूर्व मंत्री ने कहा कि दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और प्रकाश का त्यौहार है, लेकिन इस प्रकाश में बिजली नहीं है, जिसके लिए आज उन्होंने आंदोलन छेड़कर 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही प्रशासन और शासन की रहेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, वहीं 35 यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, वहीं 35 आदमी घायल हो गए। इस प्रकार से घायलों को जल्दी भगवान ठीक करे और जो मृत आत्मा है उनकी आत्मा को शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।